कोर्स 50 नहीं, सारे लोगों को सवाल आपके ऊपर होगा कि भाई तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। अरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अलग है क्या, प्रभु राम है कॉन्स्टिट्यूशन में, देखिए तो आप। कहाँ से आना हुआ साहब? रांची से हूँ। रांची से? सब बढ़िया है ना रांची में? वहाँ भी तो जो रामनवमी के जुलूस वलूस निकलते हैं। बहुत बड़ी जुलूस निकलती है, बहुत बड़ी जुलूस निकलती है, मैंने पिछली बार देखा था। तो आप कैसे हैं, क्या काम करते हैं साहब? मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन सबसे अच्छा आदमी होता है, वो बड़ा बैलेंस जानता है जिंदगी का। मैं आ रहा हूँ, आप आसाम से आज आए हैं और मेरे मेहमान हैं। असम में कहाँ से हैं आप? तेजपुर से। तेजपुर से? मैं आऊंगा आपके पास, जरूर पूछूंगा। मैं असम से आए हैं आज आप जी, बैलेंस जानता है वो। कुछ कहेंगे या चुप रहेंगे? जैसे जय श्री राम। मैंने कहा देखिए मेरी बात सुनिए, राम से कहीं कोई भी, मैंने तो कहा कि अगर मेरे देश का, इस राष्ट्र का कोई प्रतीक पुरुष होगा तो राम होगा। लेकिन लेकिन हिंदू हिंदू राष्ट्र की बात ये प्रतीक जी, अभी विवेक जी मजदूरों की, गरीबों की बात करने वाले कम्युनिस्ट कह रहे थे इस्लामोफोबिया की बात कर रहे हैं। कम्युनिस्ट तो कभी धर्म की बात ही नहीं करते, बट ये देखिए कैसे ये इस्लामोफोबिया की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में रहकर हिंदू त्योहारों को अपने नहीं मना सकते? पहले दुर्गा पूजा, काली पूजा, रामनवमी, हनुमान जयंती, आप राम का जयकारा नहीं लगा सकते? आप हिंदुस्तान में रहकर अगर हिंदू अपने त्योहार नहीं मना सकते तो क्या कर सकते? और ये बात करते हैं इस्लामोफोबिया की, आप इनसे पूछिए कि अगर आप, यार ये किस कौन सा तरीका है? मैं आप बोलिए, आप बोलिए। मैं आप किसी के भी समय पर चिल्लाती नहीं हूँ। मैं आप बोलिए। इस्लामोफोबिया? आप हमारे नहीं हो क्या? आपने खुद को बांट लिया, आप कम्युनिस्ट हो, आप तो गरीब मजदूरों की बात करते हो ना, तो फिर आप इस्लामोफोबिया की बात कैसे कर लेते हो? ये आपकी असलियत है, हिंदुस्तान में रहकर हिंदू अपने त्योहार ही मना सकता। पहले आपको इतराज है दुर्गा पूजा रामनवमी, आप राम का जयकारा नहीं लगा सकते? रामनवमी पर राम का नाम ले तो किसका नाम ले, बताइए किसका नाम लिया जाए? किसी ने नहीं रोका, 70 साल 75 साल से रामनवमी मनाओ, राम को पूजो, मंदिर बनाओ, आप गुरुकुल जाइए, किसने रोका? आज का प्रोग्राम बंद, खत्म प्रोग्राम, जाओ सब लोग अपने अपने घर, आप मेहमान भी जाएं, वो एक दो चार लोगों से बात करेंगे। ले तो हम तो चले थे मल्हम लगाने, यहाँ तो नमक छिड़कने लगे। नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। नहीं नहीं, हिंदू मुस्लिम डिबेट नहीं होगी, नहीं होगा हिंदू। आप एक जना कहता मुस्लिम राष्ट्र, नहीं नहीं होगी, नहीं होगी डिबेट, नहीं, डिबेट खत्म जी। कहाँ जाना हुआ? वेस्ट बंगाल। रुकिए, होल्ड ऑन, कौन दिखे? गलत क्या है, सही क्या, मुझे मालूम है जी। कलकत्ता से दिखे अच्छे जी। की नाम अच्छे तुम्हारे? मेरा नाम मोहम्मद तस्कील है, ये मेरा दोस्त है दीप बिंदु चक्रवर्ती है, दोस्त है जयंतो साहा है। जयंतो साहा इखने आसो दादा, दादा से आओ। अमित भट्टाचार्य चक्रवर्ती जयंतो, मोहम्मद तस्कील। ये मेरा इंडिया है। हाँ जी, ये हमारा इंडिया है, ये हिंदुस्तान है, इसका नाम इंडिया है। हम एक ही घर में, एक ही साथ दादा, बांग्ला बोलो ना, चलो बोल चो ना बांग्ला, एटा इंडिया, हमारा बांग्लाओ बोलते परी, हिंदीओ बोलते परी, हम लोग हिंदी भी बोल सकते हैं, हम कोई भी भाषा बोल सकते हैं, ये हमारा इंडिया है, हम इसी इंडिया में जीना चाहते हैं। तो दादा एक बात बताओ, तो दीदी ये क्यों बोली, कौन बोला राम, जब बोला जय श्री राम तो दीदी बोली कौन बोला, ये क्यों करती है? वो जो चीज है, हम यही बोल रहे हैं, ये जो चीज है ये बंगाल में कभी नहीं था। क्यों आई, क्यों, मैं जानना चाहता हूँ क्यों आई, बोलने दीजिए। देखिए दुर्गा पूजा जो है बंगाल का सबसे बड़ा पूजा है, ये सदियों से चल रहा है, सदियों से, और सबसे बड़ा, मुझे लगता है कि इंडिया में इतना आदमी किसी भी कोई भी पूजा में इतना आदमी एक साथ जुट नहीं होता है, इस साल भी हुआ है। जो काम कर रही है वो हम लोगों का सपोर्ट नहीं है, अभी जो बंगाल में चल रही है इसके ऊपर हमारा सपोर्ट नहीं है, लेकिन हमें ये भी क्वेश्चन करना है कि ये बंगाल है, ये बंगाल सदियों से हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ईसाई सभी का, एकदम सभी का जगह है। 1984 में जब सबसे बड़ा दंगा हुआ था, जो सिख निधन हुआ था, तब बंगाल में एक सिख का भी कभी उसके ऊपर हाथ नहीं पड़ा था, नहीं हुआ था, वही बंगाल है, वही बंगाल को हमको लौटाना भी है। लेकिन वो जो है, जो यहाँ पर भी चल रहा है, ये जो बोल रहे हैं वो भी नहीं है ठीक, ये भी सच नहीं है। सच है कि ममता कोई भी बोल सकते, कोई भी मिनिस्टर, कोई भी चीफ मिनिस्टर, कोई भी बोल सकता है, उससे कुछ आता जाता नहीं है, असल चीज है कि आदमी क्या बोलता है वहां का। ये असली बंगाल है भाई, ये असली। दादा इकने आसो, तुम आशो जल्दी, अब ऊपर से आओ दादा। हाँ
हाँ सलीम साहब एक मिनट तस्कील साहब एक मिनट, ये इंसान वहाँ का जो असली आदमी है वो क्या बोलता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। बंगाल दादा रुको, तस्कीन रखो, आ रहा हूँ। दादा बोलो कि असली आदमी क्या सोचता है। आदमी जो सोचते हैं, आदमी अभी दंगा क्यों हुआ वहाँ बंगाल में, मैं बोलता हूँ कि जो दंगा हुआ है वहाँ पर, वो दंगा वो क्रिएटेड दंगा है, वो नहीं होना चाहिए था, कभी भी नहीं होना चाहिए था। वो जिस जगह पे हुआ है उस जगह पे सदियों से कोई दंगा नहीं हुआ था और दंगा होना भी नहीं चाहिए। अब बोलो आप, पुलिस का रोल वहाँ, प्रशासन का रोल बहुत ही खराब था, इसलिए दंगा हुआ। ज्योति बोस ने एक बात कहा था कि दंगा तभी होता है जब सरकार चाहता है तब दंगा होता है। तो अगर पश्चिम बंगाल में दंगा हो रहा है तो पश्चिम बंगाल की सरकार चाह रही है, इसलिए दंगा हो रहा है। इसलिए ये कम्युनिस्ट का बहुत बड़े नेता ज्योति बोस का कहना है कि जब भी दंगा होता है, जब सरकार चाहता है तभी दंगा होता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1998 में ममता बनर्जी का पार्टी बना तृणमूल कांग्रेस, और ये कांग्रेस आरएसएस का फंडिंग से बना था, इसलिए ये दादा 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 ये लो लो, मैं इस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं ऐसा है ना, तराजू में दो ही पलड़े होते हैं, समझ लीजिए। आज आपको नहीं मालूम है, तराजू में दो पलड़े और बैलेंस रखना चाहिए समाज में। टीएमसी पे ये कह रहे हैं, टीएमसी का आदमी तो यहाँ पे मौजूद नहीं, कौन, हु विल डिफेंड, इसलिए मैं आपकी बात नहीं लूंगा। ठीक है ना दादा, मालूम करते बोल चलो। एकदम ठीक कथा, एकदम ठीक कथा। मैं जो बोल रहा हूँ कि बंगाल का आज का हालत क्या है, कि अभी जो है काम का सबसे बड़ा चुनाव है, काम ठीक से नहीं है, और जितना भी काम जितना ज्यादा होता है, अगर कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी छोटा मोटा काम करने वाला हो, कोई भी सबसे जो काम करने मजदूर होता है, दंगे में सबसे हालत बुरा किसका होता है, जो काम करता है, जो जिसने काम करने वाला आदमी होता है उसका सबसे बड़ा लॉस होता है। वो अगर हो सकता है कि वो मुस्लिम हो सकता है कि हिंदू हो, अगर अगर काम करने वाला का काम और पैसा उसके ऊपर नहीं आएगा तो सबसे बड़ा इफेक्ट उसका ऊपर होगा। ये बात सच है, हिंदू हो या मुसलमान हो, गरीब को दंगा से सबसे ज्यादा। कैसे आना हुआ आप लोगों का यहाँ पे? मैं यहाँ पर कल रैली है यहाँ पर। कौन सी? CITU का रैली है, उसमें ज्वाइन करना है। अच्छा, और आप सारे लोग इसी में आए हैं? नहीं, हम तो बिजनेस में भी आए हैं, थोड़े बिजनेस में भी आए। और आप? LIC के लिए आए। LIC के लिए आए, तो बंगाल से आए हुए थे। और दादा आपने LIC बात बंगाल की हो रही थी, तलवारें खींची हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि तलवारों की जरूरत नहीं है। ये मोहब्बत का घर किसने बनाया भाई? ये जी चिड़ियों का घर है, तभी तो मैंने कहा कि मोहब्बत का घर है। किसने बनाया? सर मैंने बनाया। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम सुनील है सर। सुनील, सुनील क्या काम करते हैं आप? सर मैं थोड़ा सा बिजनेस भी करता हूँ और थोड़ी इनकी सेवा। एक मिनट सुनिए। हाँ जी, क्या करते हैं? मैं बात अपने नहीं करने आया, मैं एक पक्षी माँ के एक दर्द को लेके आया हूँ पूरी पब्लिक के सामने। पहले तो मैं सबका हाथ जोड़ के विनती करता हूँ और प्रणाम करता हूँ सभी का जो यहाँ पे विराजमान है, सभी आत्माएं। तो सबसे बड़ी बात यह है सर, जो पक्षी होते हैं ना सर, उनके लिए थोड़ा सा ये होता है, जो पक्षी माँ होती है बेचारी घायल हो जाती है, वो हो जाती है। तो बोलिए मैं बुलाऊंगा। तो कहने का मतलब सर इतना है सर, जो ये पक्षियों का घर है, ये लगाते कहाँ हैं आप? ये मैं सब पेड़ों पे लगाता हूँ और दीवारों पे लगाता हूँ। तो मुझे एक बात बताइए, आपने ये लकड़ी का क्यों बनाया? ये लकड़ी का नहीं सर, ये PVC बोर्ड का है, जो इसमें ना तो डिमक लगती और ना ये गलता, और ये सर ये सुरक्षित भी है उनके लिए। पेंट क्यों लगाया इसमें? सर ये पेंट की इसकी सुंदरता से पक्षी माँ को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो एक पैर यहाँ रखेगी और एक अंदर रखेगी, और अपने